अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग गेम टॉक। फ्रेंड्स, आई एम बैक विद न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। फ्रेंड्स, एंड्रॉइड 11 की अपडेट के बाद अब गूगल अपने एंड्रॉइड 12 पे काम कर रहा है, जो जल्द ही आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपको एंड्रॉइड 12 की अपडेट बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एंड्रॉइड 12 किस किस फोन में आपको इनेबल होगा, कौन कौन से फोन में ये आ जाएगा और इसके साथ क्या कुछ इसमें न्यू फीचर डाले जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंड्रॉइड 12 की पहली अपडेट की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही खास फीचर होगा आपके सबसे ज्यादा फायदे के लिए, और आप सबसे ज्यादा इसको सुनकर बहुत खुश होंगे कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी में न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप आपका फोन बगैर इजाजत कोई भी एप्लीकेशन ना आपका कैमरा यूज कर सकती है, ना आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकती है, ना ही आपके माइक्रोफोन को सुन सकती है। जी हाँ, आप कोई भी एप्लीकेशन आपकी इजाजत के बगैर कोई भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकती। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका डेटा लीक करने की कोशिश करेगी तो आपको सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन आपका कैमरा यूज कर रही है या आपका माइक्रोफोन या आपकी लोकेशन को ट्रेस कर रही है। तो ऊपर नोटिफिकेशन में ये भी आपको आ जाएगा कि आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं या इसको बंद करना चाहते हैं, तो आप उसको फौरन से बंद कर सकते हैं। और कोई भी बंदा कोई भी चीज आपकी इजाजत के बगैर वो कैमरा या माइक्रोफोन आप ओपन नहीं कर सकेंगे। अगर आप खुद भी करेंगे तो वो पहले यही कहेगी कि सेटिंग में से इसको जाके ओपन करें, तब आपको इसको यूज करना चाहिए। इसके साथ अगर नेक्स्ट बात करें इसके स्क्रीनशॉट की, आप एंड्रॉइड 12 आपको एक ऐसी अपडेट दे रहा है जिसमें आप बैक पे डबल टैप करेंगे, जैसे आप फिंगरप्रिंट में नहीं आप अंगूठा रखते और फोन अनलॉक हो जाता है, इसी तरह बैक में ही अगर आप उसको डबल टैप करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट निकल के आ जाएगा। इस तरह बाकी फोन के जो यूआई सिस्टम होते हैं वो काफी ज्यादा इस तरह की अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन आप खुद स्क्रीनशॉट का ये फीचर ले आया कि अब आप फोन के बैक पे डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट निकल आएगा। स्क्रीनशॉट के वाले से ही एक और न्यू अपडेट आ रही है कि अब आप स्क्रॉलेबल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप एक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या आपका डेटा एक पेज से थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब आपका पूरा डेटा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रॉलेबल भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके उस पे स्क्रॉल पे क्लिक कर दे तो आपका पूरा पेज का वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और ये काफी ज्यादा हैंडी चीज है, और पूरे पेज के अलावा भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा डेटे का एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इसकी बात करें कि एंड्रॉइड 12 में कैसी अपडेट आ रही है जिससे अब आपके फोन रंगीन होने वाले हैं। जी हाँ, अब एक ऐसी थीम की अपडेट आ रही है जिसमें पहले तो या आपको सिर्फ डार्क मोड मिलता था या आपको नॉर्मल मोड में आपको सिर्फ व्हाइट कलर देखने को मिलता था, जबकि डार्क मोड में आपको फुल ब्लैक देखने को मिलता था, यानी कि तमाम फोन या डार्क होते थे या नॉर्मल में व्हाइट मोड पे होते थे। इसमें आपको थीमिंग अपडेट देखने को मिलेगी जिससे आप कोई भी कलर अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं, आप पिंक, ब्लू, रेड जो मर्जी चाहें वो लगा सकते हैं। जबकि एंड्रॉइड 12 की नेक्स्ट अपडेट की बात करें कि इसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड मोड देखने को मिल जाएगा, यानी कि अब आपने कम एमबी वाला पैकेज लगाया, आपको डेटा खत्म होने के बहुत ज्यादा खतरात हैं, तो आप सिर्फ उन एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं, उससे आपका डेटा भी बच सकेगा और बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन आपका डेटा यूज कर रही होंगी वो भी नहीं करें। ये भी काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। वैसे एंड्रॉइड 12 में काफी ज्यादा फीचर आ रहे हैं, क्या आपको ये पसंद आए मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, और मुझे ये भी बताएं कि क्या आप एंड्रॉइड 12 अपने फोन में जल्द अज जल्द देखना चाहते हैं कि नहीं। प्राइवेसी पॉलिसी के लिहाज से एंड्रॉइड 12 में एक और लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, एंड्रॉइड 12 प्राइवेसी के साथ काफी ज्यादा अपडेट दे रहा है। जी हाँ, इसमें अगर आप ब्राउजर पे कोई भी पेज खोलते हैं उसमें आपको कुकी का ऑप्शन आता है या पासवर्ड या कोई भी चीज इस तरह की आती है, एंड्रॉइड 12 हमें ये फीचर दे, वेबसाइट आपकी लोकेशन को ट्रैक करिए या आपके इस एप्लीकेशन को ये यूज करिए, अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो इनेबल करें, नहीं तो इसको डिसेबल कर दें, और ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। इसके साथ नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो है वाईफाई शेयरिंग के बारे में। जी हाँ, पहले अगर किसी के साथ आप वाईफाई शेयर करते थे तो आप उसको पासवर्ड लिख के देते थे, पहले वाईफाई ओपन करके उसको पासवर्ड लिख के देते थे, कोई भी बंदा आपका चोरी से वाईफाई अगर चलाना शुरू हो जाता उसको पासवर्ड पता लग जाता था तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप एंड्रॉइड 12 एक ऐसा फीचर दे रहा है जिसमें आप वाईफाई शेयर किसी के साथ भी कर सकते हैं विदाउट वाईफाई पासवर्ड दिए हुए। जी हाँ, आपके पास जो भी बंदा बैठा होगा अगर आप उसके साथ वाईफाई शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसको अपने फोन से अलाउ करेंगे और उसके फोन में वाईफाई चल जाएगी। ये काफी अच्छा फीचर है, और बाद में अगर उसको आप नहीं देना चाहते तो उसको ऑफ कर दें तो उसके फोन से वाईफाई खत्म हो जाएगी। ये भी प्राइवेसी के वाले से भी और भी बाकी हैंडी सिस्टम है कि आपको किसी को भी अपना पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ नेक्स्ट अपडेट जो एंड्रॉइड 12 में की गई है वो है आपकी कंजर्वेशन। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ चैट करते हैं और उसको आप होम स्क्रीन पे एज अ विजेट रखना चाहते हैं तो वो आप उसको एज अ विजेट रख सकते हैं, यानी कि वहीं से जो भी मैसेज है वहीं से ओपन करके आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। ये सिस्टम पहले भी सैमसंग में था, लेकिन ये जो कंजर्वेशन का नया विजेट आया ये
लेटेस्ट फीचर है सिर्फ एंड्रॉइड 12 में ही आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा एंडी है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है ऐप पे, यानी कि पहले जो फोन की यूआई सिस्टम में अपडेट होती थी उसमें आपको ऐप पे की सहूलियत देखने को मिल जाती थी, लेकिन आप एंड्रॉइड 12 में भी ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप कोई भी फोन लेंगे एंड्रॉइड 12 वाला, तो ये फोन आपको ये फीचर आपको पहले से इनेबल होगा कि आप किसी भी ऐप को एक दूसरे के साथ पेयर बना सकते हैं। यानी कि एक पेयर में आप दो एप्लीकेशन रखते हैं, वहीं से आप जो मर्जी एप्लीकेशन को यूज कर लें। जबकि नेक्स्ट अपडेट की बात करें, अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं और वो बैन है हमारी कंट्री में, तो वैसे भी बैनिंग कल्चर बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा वेबसाइट आपको बैन देखने को मिलेंगी, लेकिन एंड्रॉइड 12 अब आपको ये फीचर दे रहा है कि आपको इसमें VPN पहले से इनेबल देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप कोई भी वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं जो बैन है, आपको तरह तरह के VPN ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपको पहले से ही फोन में इनेबल देखने को मिल। ये कैसा वर्क करेगा, बहुत ही अच्छा या नॉर्मल सा ही काम करेगा, लेकिन आपको VPN मोबाइल में देखने को मिल। नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो है डबल स्क्रीन मोड। यहाँ ये पहले भी फोन में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आप ये जो अपडेट एंड्रॉइड 12 दे रहा है ये आपको हर फोन में देखने को मिलेगी। जी हाँ, काफी ज्यादा अच्छा ये मोड है, यानी कि अब आप एक स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन को यानी कि मल्टीटास्किंग ये फोन में आराम से कर सकते हैं। आप दो एप्लीकेशन को यानी कि एक एप्लीकेशन आप यूट्यूब को कोई भी मूवी या कोई भी लगा के ऊपर रख दे, नीचे आप व्हाट्सएप पे चैट करना शुरू हो जाए, ऊपर आपकी मूवी भी चलती रहेगी यूट्यूब पे और नीचे आप चैट भी करते रहेंगे। यानी कि आपको मल्टीटास्किंग का मजा एक ही फोन में देखने को मिल जाएगा। इस तरह के और भी फीचर हमें एंड्रॉइड 12 में देखने को मिल जाएंगे। ये थे इसके खास खास फीचर जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। आप देखते हैं गूगल कब तक इसको ऑफिशियली कन्फर्म करता है। रूमर्स का यही कहना है कि ये आपको जुलाई से अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। जब बात करिए किन किन फोन में अवेलेबल होगा, आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 850 से ऊपर तक ये आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि गूगल पिक्सल 3 से आगे लेटेस्ट अपडेट मॉडल्स में आपको देखने को ये मिल जाएगा। जिस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, उनमें आपको एंड्रॉइड 12 की अपडेट देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसके साथ आप जो लेटेस्ट फोन आएंगे जो इस 2021 के लास्ट क्वार्टर में आएंगे, उसमें भी आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। क्या आप एक एंड्रॉइड 12 वाला फोन लेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।